दोस्तों आप सभी को पता है जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी देखेगा आम बात तो नहीं है कि कॉमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएं और किसी भी देश के सेंट्रल बैंक को या किसी भी देश को देखेगा उसका फर्क ना पड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीआई का बुलेटिन आ चुका है, जो पूरी रिपोर्ट है वो मिंट पे आपको देखते हुए मिल जाएगी। आरबीआई की बुलेटिन में जो बातें कही जाती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, वो एक्चुअल में आरबीआई का एनालिसिस होता है। और यहाँ पे एनालिसिस में इन्होंने रिस्क फैक्टर की बात करी है, रिस्क फैक्टर भी उस फैक्टर की बात करी है जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। और आपको पता है कि अगर आरबीआई इन्फ्लेशन का रिस्क कंसीडर कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे पूरी तरीके से आरबीआई कंसर्न है कि जो कॉमोडिटी के प्राइसेस और क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं इसके कारण आने वाले दिनों में क्या बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और रेट कट थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। अब क्या है क्लाइमेट शॉक्स, अब यहाँ पे पहला कह रहे हैं क्लाइमेट शॉक्स के कारण उन्होंने कहा है अपसाइड हो सकता है किसमें, इन्फ्लेशन में। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर आरबीआई इन्फ्लेशन बढ़ने की बात कह रहा है तो इसका मतलब यू हैव टू टेक इट सीरियस, क्योंकि अप्रैल का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो बहुत ज़्यादा दिन की दूरी पर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसका मतलब है क्लाइमेटिक शॉक्स इन्फ्लेशन के रिस्क को बढ़ा सकते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी मेक्स स्पेस फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, और इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि वो प्राइस की स्टेबिलिटी को बनाए रखें। तो आप समझ सकते हो प्राइस की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए अगर डिमांड बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपको कंजम्पशन को कम करने के लिए रुपए को महंगा करना पड़ेगा, यानी बोरिंग कॉस्ट को महंगा करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा देखेगा बोरिंग कॉस्ट महंगी होगी उतना ज़्यादा देखेगा क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। जब आप क्रेडिट क्रिएशन पे काबू करोगे तभी ऐसा पॉसिबल है कि डिमांड बढ़ने के बाद भी आप प्राइस को स्टेबल रख सको, ताकि नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम डिमांड करें। तो अगर आप देखेंगे आरबीआई ने अपने के क्या करा है, आरबीआई सेड दैट इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यू रिमेन डिस इन्फ्लेशनरी, रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ गिव द पॉलिसी टू मेक स्पेस फॉर प्राइस स्टेबिलिटी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये देखिएगा किसमें कहा है, इकोनॉमिक बुलेटिन हाईलाइटेड दैट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मे पोज अ रिस्क टू इन्फ्लेशन अलॉन्ग विद प्रोलॉन्ग जियोपॉलिटिकल टेंशन। अगर आप देखेंगे दोनों खतरों की बात करी है उन्होंने, एक तो रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, क्लाइमेटिक देखिएगा शॉक्स तो आपके भी कंट्रोल में नहीं है, आरबीआई के कंट्रोल में भी नहीं है और किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसके साथ जो सप्लीमेंट में चीज़ आ रही है वो आ रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि अभी शांत नहीं हुई है, जस्ट विराम हुआ है। फिर से स्टेटमेंट अभी देखिएगा आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, और कल रात को भी आपको देखने को मिला होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी से जंप भी आया है। क्रूड लगातार अपने एक पर्टिकुलर लेवल पे बना हुआ है, ये बड़ी बातें हैं। आपको पता है क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत देखेगा शांत हुआ था तो माना गया था कि अब ये धीरे धीरे देखेगा नीचे खिसक जाएगा, लेकिन फिर से ब्रेंट ऑयल $88 के ऊपर आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं कोई एक स्टेटमेंट जियोपॉलिटिकली और वो तुरंत देखेगा प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगा। अब अगर आप देखेंगे फूड प्राइस को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी है, कॉन्टिन्यू टू वेव ऑन द इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको पता है फूड के प्राइसेस को लेकर ज़्यादा प्रेशर है। आर रिकॉर्ड रबी वीट प्रोडक्शन वुड हेल्प टेम्पर प्राइसेस प्रेशर। अगर आप देखेंगे गेहूं की फसल ठीक हुई है तो उससे थोड़े प्राइसेस कंट्रोल रहेंगे। रिप्लेनिशेस द बफर स्टॉक्स, अर्ली इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल मानसून आर्ग्यूज वेल फॉर द देखेगा खरीफ सीजन, वाइल इंटरनेशनल फूड अलॉन्ग रिमेन बिनिंग। तो अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई है यहाँ पे, द टाइट डिमांड सप्लाई सिचुएशन, सर्टेन कैटेगरी ऑफ पल्सेस, प्रोडक्शन आउटकम ऑफ द की वेजिटेबल वॉरेंट क्लोज मॉनिटरिंग गिवन द फोरकास्ट ऑफ अबव नॉर्मल टेम्परेचर इन कमिंग मंथ। तो अगर आप देखेंगे जो वेजिटेबल है, पल्सेस हैं, ये बहुत ही एसेंशियल फूड आइटम हैं, यही एक्चुअल में कोर फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, और यहीं पर देखेगा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करने की बात कही जा रही है। क्योंकि क्लाइमेटिक शॉक्स आपको पता है पूरी तरीके से डोमेस्टिक फूड प्राइसेस को इम्पैक्ट करेंगे। हो सकता है
आने वाला अप्रैल का डेटा आपका जो हो तो वहाँ पे आपको इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिले, ड्यू टू देखिएगा इनफाइनाइट देखिएगा, इस समय बहुत ज़्यादा हीट हो रही है मार्च से अप्रैल के महीने में ही, इतनी हीट देखी नहीं जाती है, जिस कारण से वेजिटेबल पल्सेस ये सारे देखिएगा प्राइसेस इन्फ्लेशन को थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा निफ्टी बैंक पे कॉशियस रहिएगा, टाइम टू टाइम आरबीआई की कमेंट्री पे भी फोकस करते रहिएगा, अदरवाइज ऊपर के लेवल पे अचानक से आपको शॉक मिल सकता है। थैंक यू सो मच।